संपत्ति का नुकसान हुआ, क्या कहेंगे सर? कुछ कुछ अधूरी सूचनाएं हमें मिली जी, हम अभी आज अभी अभी जस्ट पहुंचे उस पर हिंदुओं की धार्मिक यात्रा निकल रही थी जिसके बाद पथराव शुरू हुआ, मुस्लिम बाहुल्य इलाके से निकली थी, मंदिर को घेर कर गोलियां चलाई गई, पत्थर मारे गए। राम राम राम, ये हमारा और आप सबका देश का दुर्भाग्य। इस प्रकार की राम के राज्य में राम की यात्रा पर भगवान शिव के मास में भगवान शंकर की यात्रा पर इस प्रकार के उपद्रव करना निश्चित रूप से ये राक्षस होगा। सर, योगी आदित्यनाथ ने ज्ञान वापी को लेकर कह दिया है कि उसे मस्जिद कहना गलत है, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? ज्ञान वापी कहिए उसको लेकर। ज्ञान वापी नाम ही अपने आप में परिपूर्ण है, ज्ञान का कुआं ही ज्ञान वापी है। अब हमने कभी पुराण पढ़ा नहीं, उसमें ज्ञान वापी का उल्लेख आए तो आप हमें जरूर बताएं। लेकिन सर, जिस तरह से मेवात में, नू में, गुड़गांव में ये सब पूरी हिंसा भड़की, आपको क्या लगता है कि कब तक? उससे पहले बरेली हुआ, उससे पहले नागलोई में भी हुआ। आपके जैसे सनातनी हिंदू सोए रहेंगे, सिर्फ मीडिया, टीवी, कैमरा, व्हाट्सअप या बातें खेलेंगे, तब तक ये होता है। इलाज क्या? एकता इलाज, कड़ा कानून, देशद्रोह का उनके ऊपर वो लगा करके और उनकी संपत्ति की जब्त। अच्छा, आप अभी इंग्लैंड गए थे, वहाँ पर भी आपने हिंदू राष्ट्र का एक बार फिर से जिक्र कर दिया, तो जिस भी मंच पर धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे वहाँ पर वहाँ पर बहुत प्यारे लोग हैं, सब सनातन का डंका बजा, बहुत आनंद आया और निर्विघ्न रूप से वहाँ का आयोजन संपन्न हुआ। और सनातनी हिंदू राष्ट्र था है, हम तो लोगों को जगाने गए थे, वो काम करते हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग सोए हैं, वो जो आप कह रहे हैं, वो आपके जैसे महापुरुष जगवाएं तो आप